जाते हैं और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम लोग गए थे, सपरू नायडू काजू और तमाम आला लोग गए थे, मदन मोहन मालवीय, सभी ने अपने अपने तरीके से बात रखा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप तो चले जाओगे, जब आप चले जाओगे तो देश में प्रजातंत्र होगा और प्रजातंत्र में वोट के बल पर सरकारें बनेगी और सरकारें गिरा दी जाएगी, इसलिए जाते जाते हमारे लोगों को भी आप वोट का अधिकार दे करके जाओ, हमारे लोगों को भी आप वोट का अधिकार दे कर जाओ। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें वोट का अधिकार नहीं था, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया तो उस समय का प्रधानमंत्री रामचंद्र कटोला ने जो अंग्रेज था उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दलील को मानते हुए 17 अगस्त 1925 को कॉमनवेल्थ अवार्ड देने का काम किया। बाबा साहब 17 अगस्त 1925 को कहा अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा पैदा होगा तो बैल पत्थर से पैदा होगा, इंडिया मशीन से पैदा होता है, जो राजा को ये अधिकार बाबा साहब ने दिया, देश की सारी रानियों की नसबंदी कर दिया, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, मिला तो दो वोट का अधिकार था, मौका मिलेगा तो एक वोट के बारे में बताएंगे, लेकिन जब एक वोट बचता है पूना के रगा जेल में अमरण अनशन करने के बाद एक वोट रानी को एक दे सकती है, जो वोट की कीमत सोनिया गांधी की होगी वही वोट की कीमत एक पासिंग की होगी, लेकिन दुर्भाग्य सोनिया गांधी के लोग वोट की ताकत समझ गए, लेकिन पासी समाज के बेटे और पासिंग वोट की ताकत नहीं समझ पाए, इसीलिए लंबे समय से हम लोग वोट देने का काम करते चले आ रहे हैं, हम तो वोट को बेचने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये वोट इज्जत है, मान है, सम्मान है, आबरू है, अस्मत है, मत करना, सही जगह पर इस्तेमाल कर देना, तुम्हारी बिगाड़ी गई बात बन जाएगी, और आप लोगों ने 4 बार टुकड़ों में ही सही जगह वोट देने का काम किया, और 4 बार आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने का काम करती हैं, 1 बार 4.5 महीना, 1 बार 6 महीना, 3री बार 15 महीना और 2007 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को आपने प्रयोग किया, तो 4थी बार आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की मुट्ठी को संभालने का काम किया, इस देश में डेवलपमेंट के काम किया और मान सम्मान को देने का काम किया, मैं पासी हूँ, पासी के बेटे को आधा दर्जन मंत्री बनाने का काम किया था दुनिया बहन कुमारी मायावती जी ने। अरे आप नोट कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक साथी हैं जरा गौर करेंगे, आज आप नोट कर लेना, उनसे सवाल करना, जब आपसे वोट मांगने के लिए आए पसियाने में, जब वोट मांगे तो उनसे पूछ लिया कि कई पासी के भाई उनसे जरूर पूछ लिया तब आप बात की है, आधा दर्जन से ज्यादा पासियों को उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया, राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश अध्यक्ष पासी समाज के बेटे को बनाने का काम किया, और हमारे जैसे लोगों को हमें भी जो पसियाना में पैदा हुआ था उसे भी बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बनाने का काम किया था, ये केवल मेरा सम्मान नहीं सर मुझे उत्तर प्रदेश के पासियों का सम्मान करने का काम किया था, और जब अहिल जी मुख्यमंत्री की मूर्ति पर बैठी किया था कि आज के बाद उनका माफिया मवाली उत्तर प्रदेश में घूमते हुए नहीं नजर आएंगे, तो हुआ क्या था, 1,45,000 गुंडों को बहन जी ने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, अरे राजा भैया जैसे लोगों को बापो फूट के नैनी की जेल में सड़ाने का काम किया था, ये दंखम और बहुजन समाज पार्टी में था, सारे गुंडे जेल में बहन जी के खेल में, हम लोगों ने नारा लगाया था कि बहन जी के खेल में सारे गुंडे जेल में, लेकिन सारे गुंडे अब जेल के बाहर आ गए हैं और हमारे बहन और बेटी के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, 5-5 10 साल की बिटिया के साथ रेप करके उसकी हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद रात में ही उसको जला देने का काम करते हैं, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है और मुकदमा भी नहीं लिखा जाता है। सम्मान्य साथियों में आपको ध्यान देना होगा, यही बहन कुमारी मायावती जी थी जो आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए 25,000 रुपया साइकिल देने का काम किया, यही बहन कुमारी मायावती थी जब आपके बेटे को वजीफा कबर देने का
बनाने का काम किया, किया कि नहीं किया, तो आज सारी योजना चल रही या बंद हो गई है, ये योजना चल रही या बंद हो गई है। बिटिया को पति बनाने का काम किसने किया? बहन तुम्हारी मायावती जी ने किया। यही तो इनके पेट में दर्द होता है कि जो गरीब लोग हैं इनके लिए बहन जी काम करने का काम करती है, और बहन जी कभी जाति देख करके नहीं करती है।